ये सुनिए सुनिए, ये डोरों में आप आके आप जो भी मेरे को सुन रहे हैं, एक सेकंड सुने सिलसिले में, जो भी मेरे को सुन रहे हैं आप हैरान बरहान परेशान हो जाएंगे। हैदराबाद में नामपल्ली में मल्लापल्ली, हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर रात के टाइम एंटी सोशल एलिमेंट्स आके डोर खोल के अंदर शराब पी रहे, पत्ते खेल रहे, सो जा रहे, ये है सही नामपल्ली, ये है। और ये लोग जो नामपल्ली को अब तक जो ख्यादत में रखे, सिर्फ बातें बातें बातें, सिर्फ बकवा बकवा बकवा, हैरत हो रही कि ऐसे भी जो इलेक्टेड है वो आज तक ये ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सके। गवर्नमेंट स्कूल, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लेवल बच्चे आते, डाउन ट्रेडन बच्चे आते, गुर्बत से हालात से हारे हुए बच्चे आते, आप उनको नहीं मदद कर सक रहे? तो बराबर 100 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी एक यकीन दिलाएंगी ये स्कूल को कि हम शुरू करें हैं, और इंशाल्लाह हमारे को 1 से 1.5 साल देना, जितने भी ये गवर्नमेंट स्कूल के प्रॉब्लम्स है बराबर कंसर्न डिपार्टमेंट को लेकर जाएंगे, कंसर्न ऑफिसर से बात करेंगे, कंसर्न मिनिस्टर से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, और अगर से फंड्स की तंगी है मुख्यमंत्री को गुजारिश करके स्पेशल फंड लेंगे, क्योंकि हर एक जो बच्चा होता वो स्पेशल होता और वो यूनिक होता। और आने वाला नामपल्ली है, कल का नामपल्ली है, कल का हैदराबाद है, कल का तेलंगाना है, कल का हिंदुस्तान है। बराबर एजुकेशन और हेल्थ पे हमारा फोकस रहेगा और बराबर इसमें इम्प्रूवमेंट रहेगा, मैं आपके सामने वादा करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो, आपका नाम क्या बोले मैडम? जरीना जी, मेन मकसद आपके स्कूल को आने का ये है, आपके क्या प्रॉब्लम्स है वो सुन के उसको सॉल्व करना है, खाली ड्रामा नहीं करना है। हमारे मुख्यमंत्री साहब बहुत सीरियस है, स्कूल्स को और हॉस्पिटल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी में डेवलप करना है, क्योंकि अगर से हिंदुस्तान की बुनियाद, तेलंगाना की बुनियाद, हैदराबाद की बुनियाद अगर से कोई चीज़ में है तो है एजुकेशन एंड हेल्थ। सो हमारा जो हम नारा दिए थे चुनाव से पहले कि गवर्नेंस एट योर डोर स्टेप, आज हम ख़यादत में आ गए, आपके घर को आ गए, वो तो आपके स्कूल को आ गए, बस। तो थैंक यू। सो आपके प्रॉब्लम्स बोलिए, कंसर्नड जो भी ऑफिसर है मैं बात करूँगा, आपके लेटर हेड पे आप देना मेरे को, मेरे लेटर हेड से फॉरवर्ड होगा, मैं उनसे बात करूँगा, और जो भी इंस्पेक्शन है इंस्पेक्शन करवाएंगे, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है विद इन 100 डेज आपको सॉल्व करके देंगे हम। तो ज़रा मैं प्रॉब्लम्स जान सकता हूँ? जी बिल्कुल, बोलिए। सब असल क्या है साहब, ये हमारा स्कूल जो है 2002 में बना, 20 साल हो गए, इसको मेंटेनेंस कुछ भी नहीं, मैं समझता एक आध बार सुनना पड़ा थोड़ा सा, अभी तक नहीं पड़ा। अभी 3 साल पहले जो है MBMB बोल के माना बड़ी माना बस्ती माना बड़ी बोल के शुरू कर, और हमारा स्कूल को सबसे ज़्यादा बजट सैंक्शन 49 लाख हुआ, और छोटे बजट वालों का छोटे कॉन्ट्रैक्टर को देके करा ली, जैसा इलेक्ट्रिकल का वो भी अधूरा। अब जैसा प्राइमरी स्कूल को 6 लाख थे ना, मुझे याद है 6 लाख कुछ थे, तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल का काम है समझे 1,30,000 1,40,000 का जो वायरिंग ख़राब थी उसको कैंसिल कर ट्यूबलाइट लगाए, चलो करंट आ गया, लेकिन बाकी काम हम शुरू नहीं हुआ। अब हमारे पास पानी का सम्प नहीं है, पानी का कनेक्शन रात में पानी आता है, सम्प पीछे नहीं है तो पानी कौन पकड़ेगा, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम। ओके, अब एक बोरवेल है, एक बोरवेल वो भी म्यूनिसिपल वालों का है। ओके, म्यूनिसिपल वालों का है, वो भी सेपरेट मीटर पे वो लोग भी पे करते, जनरल मैनेजर पे करते,
अब उनके बदौलत हमको भी चलो मिला कुछ बोल के, वो पानी का मेन सोर्स है। ओके, दूसरा कुछ भी ओके, दूसरा वो मैं जो मतलब MBMB का इतना बड़ा बजट उनको भी सैंक्शन हुआ, मेरे को सबसे ज़्यादा सैंक्शन हुआ, पूरे इसका रिनोवेशन करके बोले पूरे दीवारों में ये प्लास्टिक निकाल जा रहा है। MBMB तो इसमें मेरे को पेपर्स भी है सैंक्शन करके, बताओ तो मैं बताइए 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 बताइए। तो मगर हमारे पास जो है आए इंजीनियर आए, उसके बाद बोले आपका जो है हम टेंडर कॉल करें 30 लाख के ऊपर जीतता दिया टेंडर कॉल, तो टेंडर जो है आए नहीं बोले। मैं पूछा तो क्यों नहीं आए, तो नहीं साहब वो गवर्नमेंट का रेट जो है वो दूसरी वाला पसंद नहीं है। फिर सेकंड टाइम भी कॉल करे, सेकंड टाइम भी कोई नहीं आया, तो उसकी वजह से काम शुरू नहीं हुआ, किस मिला भी नहीं हुई। बताओ मेरे को अभी, मैं देखता हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट से नहीं है, बोले 7,800 करोड़ पर पूरे जगह इसी छे गए थे, कहीं भी नहीं हुआ। अब हमारे पास हम 32 पर ये है कि हमारे पास शुरू नहीं हुआ, फिर भी आपके पास थोड़ा इलेक्ट्रिकल का काम हुआ, हमारे पास वो भी नहीं हुआ। तो ये चीफ इंजीनियर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जो चीफ इंजीनियर वो चारी साहब जो है उन्होंने भी आए, उनको भी पता है। तो साहब उन्होंने क्या बोले, साहब गवर्नमेंट बिल्कुल पैसे नहीं दे रही जिसकी वजह से लोग आगे नहीं आ रहे हैं, तो पैसे आए तो मैं करा सकता हूँ ना साहब बोले, तो खुद आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हालत जैसी की वैसी है, ये पूरा है। मगर अब ये चलता नहीं गवर्नमेंट चेंज हो गई है। नहीं, अब क्या है, BRS की गवर्नमेंट के शूज में हम स्टेप इन करें, बट हमारा नारा ओनली डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। सो फाइन, आपको टेंडर कॉल करते बोले, वो नहीं कॉल करे, थ्रू आउट तेलंगाना ये वादे बहुत करे, अमल नहीं करे, एंड आज तेलंगाना को डेफिसिट बजट में ला ली, सरप्लस स्टेट को उधारों का स्टेट बना दी। अब कांग्रेस की ये सोच है, क्योंकि तेलंगाना सरप्लस स्टेट है और कोई हमारा लीडर पैसे खाने वाला नहीं है, सो जीरो करप्शन, नो ब्रोकर, नो कमीशन। सो हमारे मुख्यमंत्री टोटल इसके खिलाफ है, फर्स्ट डे बुला के पूरों को बोल दिए जीरो करप्शन एंड गवर्नेंस एट डोर स्टेप, डेवलपमेंट एक साल के अंदर दिखना, 100 डेज के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो मूव होना, ये माइंडसेट रख के, ये एटीट्यूड रख के हमारे मुख्यमंत्री साहब आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री साहब जैसे ये एटीट्यूड लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे वैसे जो यंग लीडर्स है उनको हमारे को बहुत हिम्मत दे दी। और मुख्यमंत्री साहब स्ट्रेट हम बोले मैडम कि आप हमारा बी फॉर्म लिए, आप हमारे MLA हैं, जो MLA जीता उन्हें अपना काम कर लेता, मगर आप हमारे MLA हैं, आप जाके काम करिए, हर घर तक जाइए, हर ऑर्गेनाइजेशन तक जाइए, हर इंस्टीट्यूशन तक जाइए। तो उन्होंने जो बोले हैं उसको अमल करने के लिए फिरोज खान आपके पास आ गया, तो आप मेरे को बाथरूम्स बताइए और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं प्राइमरी स्कूल में, अलबत्ता 1 to 5th इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दो थे, लेकिन हाई स्कूल में नहीं था क्योंकि रूम्स नहीं है, आपको जगह नहीं है। तो ये लॉकडाउन के बाद जो है प्राइवेट स्कूल के बच्चे फीस नहीं भर सक रहे थे, गरीब बच्चे, तो भैया उनको इंग्लिश मीडियम जाने के लिए घरों में बिठा लेते, तो बोले नहीं पूरे गाँव जहाँ तेलुगु मीडियम और उर्दू मीडियम है पैरेलल इंग्लिश मीडियम खोलो, पैसा भी खोलना कंपलसरी बोले, हम खोल दिए। अब ये 4 साल में हमारे पहले साल 6 खोले, 7 खोले, 8 खोले, अभी 9th भी आ गया, जैसे नेक्स्ट ईयर 10th भी आ रहा है, लेकिन इसके वास्ते हमारे कमरे शॉर्ट हो रहे हैं, कमरे लेट में बिठा रहे हैं। गवर्नमेंट भी ऐसी किताबें भी दिए, बाइलिंगुअल दिए, एक तरफ उर्दू एक तरफ इंग्लिश, दोनों को एक साथ ही बिठाओ और टीचर भी एक ही पढ़ाए। तो हमारे को सेपरेट इंग्लिश मीडियम का स्टाफ नहीं है, वो पैटर्न नहीं दिए, तो इंग्लिश मीडियम का स्टाफ भी चाहिए और हमारे को एक 3 rooms और कैसे हाई प्रोविजन है। अब एक यहाँ पर एक ब्लॉक है हमारा, उस पर फर्स्ट फ्लोर बना सकते हैं आप आराम से, 3-4 कमरे बना सकते हैं, ओके 3 बना सकते हैं, वो अगर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और एक फ्लोर डाल दिए तो 3 कमरे बन जाए। ओके, बेहतरीन, वो बन जाए। लिखिए, लिख लेना आप आपके
लेटर हेड पे मेरे को देगी एंड भाई का नाम लिखो नंबर लिखो मैडम का भी नंबर लिखो ये मेंटेनेंस का है और चुना नहीं हुआ सर अच्छा नहीं दिख रहा है पूरा बिल्डिंग का अगर मेरे को भी पैसे दिए 2 लाख भी दिए तो कम से कम सफेद चुना मैं लगा ले सकता हूँ वो भी नहीं कर सकता खत्म पड़ गया अब दुनिया वाले लेंगे उसके पैसे वो ला के बताए तो नहीं हो रहे आप जो प्लास्टिक वगैरह उखड़ गए और टॉयलेट का क्या है साहब यहाँ पे ये 14 वर्ष से नहीं है तबियत लाइन कहीं एक ही तरफ है उस तरफ ही है अब उसमें भी क्या है ब्लॉक बन गया अब ये पुरानी बिल्डिंग है तो एक कितना सर्कस का रास्ता है 2 फीट का रास्ता है उसमें से खोद के पाइप डाले वो NGO कोई डाले 2-3 साल पहले लॉकडाउन से पहले अब उसमें से ही वो पानी जाता टॉयलेट की हाइट नीचे है बोल रहे और ये भी ओल्ड बिल्डिंग है निकाल देते बोल के बोले थे जिसके अभी नए निकाल रहे हैं उसी को थोड़ा बहुत रिपेयर करें क्या करें और इट इज नॉट सेफ खाली मेंटेनेंस के पैसे जा रहे हैं प्लास्टिंग वगैरह करने में क्या करेंगे भाई क्या बोलते Within 15 days, मैं आपके स्कूल का इंस्पेक्शन करवाने लगा हूँ जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है ऑफिसर्स है उनको हम लेके आएंगे इंस्पेक्शन कराएंगे और आपका और हमारा प्रपोजल के बाद व्हाट बेस्ट प्रपोजल गवर्नमेंट देती उसमें आप और हम मिलके कोलैबोरेशन में कोऑर्डिनेशन बोले वो स्टेक होल्डर्स को मिला असल क्या है कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस अगर आप जैसा मैं हूँ मेरे खुद नहीं मालूम रेट्स क्या है मैं काम अपने घर का मामले टूटी बदला सकता हूँ अब पूरा ये नहीं कर सकता पहले क्या होता था SSM में जो इंजीनियर्स रहते थे इंजीनियरिंग सेक्शन PWD के रहते थे वो लोग खुद मशवरा देते थे टॉयलेट बनाना क्लासरूम कैसा बनाना वो लोग कर लेते थे उनका ही काम है हमारा काम पढ़ाना है अब वो भी काम हमारे ऊपर डालने से मैं बोला भाई मैं बनूंगा यहाँ बोलो बनाओ बोलूंगा बाद में बोलेंगे अब ये कौन बोला मशवरा कौन दिया गलत होगा वो क्योंकि पैसे भेज बोला भाई हमारा काम सिर्फ यूज करना है आप लोग बनाए अब SMC में हमारे पेरेंट्स खुद इलिटरेट है उनको मैट्रिकुलेट भी नहीं लिखो SMC जो है उसमें चेयरमैन साइन करना चेक देना पेमेंट करना बोलते बोलते तो SMC का बेचारा वो एक आदमी जो अनपढ़ है उन्हें खुद कैसा देखेंगे रेट कैसा देखेंगे ये पूरा ये गलत जो है स्कीम बनाए भाई आप इंजीनियरिंग सेक्शन देख लेना ये सब काम बराबर रोड्स एंड बिल्डिंग्स देखता था पहले देख लेना वो लोग देख लेना आराम से होता वो SMC में पेरेंट्स बुलाए तो ही नहीं आता अब उन्हें चेक साइन करोगे तो कहाँ से करेंगे राइट और उसको क्या हमारे खुद नहीं मालूम मैं हेड मास्टर मैं चेक किया मैं खुद कोई वायर का रेट नहीं मालूम राइट मैं आप मेरे से अगर साइन करा लिया चार्ज ना हो सकता तो इसके ज्यादा होते बोलते राइट गलत हो जाता होगी राइट तो वो चीज़ें सब उधर देख लेना हमारे को सिर्फ जो जरूरत है वो बना के दे दो राइट ये SMC बोल के वो लोकल उसको बोल के उनको बोलते हैं उनको बोल के पूरा काम पेंडिंग रह रहा है थोड़ा कुछ नहीं राइट डन आप मेरे को बाथरूम बता दें चलो